नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल टीम गुरु में। दोस्तों, मैं आप लोग के बीच में डिस्कस करने वाला हूँ प्रो कबड्डी का जो मैच होगा हैदराबाद वर्सेस यू मुंबई के बीच में फ्रेंड्स, जो कि 29वां मैच होगा। तो इसकी मैं आप लोग को ड्रीम इलेवन की स्मॉल लीग की टीम, साथ में ग्रैंड लीग के लिए टिप्स ट्रिक्स और फ्रेंड्स बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग ग्रैंड लीग में कॉम्बिनेशन बना सकते हो, कौन से प्लेयर आपके लिए ग्रैंड लीग में एज ए की प्लेयर हो सकते हैं जो आपको एक तरफा ग्रैंड लीग विन करा सकते हैं, और क्या प्लेइंग सेवन इस मैच की हो सकती है और क्या क्या पॉसिबल चेंजेस इस मैच में हो सकते हैं। तो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक टीम ऑलरेडी बनाई हुई है जो कि मैंने स्पेशली ग्रैंड लीग सॉरी स्मॉल लीग के लिए बनाई है फ्रेंड्स। तो आप इस टीम को चाहो तो ग्रैंड लीग में भी लगा सकते हो, बस आप लोग थोड़ी बहुत एक दो चेंज जरूर कर दिएगा फ्रेंड्स। तो मैं राइडिंग डिपार्टमेंट से स्टार्ट करूंगा। तो देख सकते हो यहाँ पे मैंने तीन राइडर लिया है। जो मेरे पहले राइडर है वह राहुल चौधरी हैदराबाद तरफ से जो मेन राइडिंग करेंगे, लेकिन फ्रेंड्स राहुल चौधरी इस सीज़न में कुछ खास अभी परफॉर्मेंस दिखा नहीं पा रहे हैं। देख सकते हो आप कंटिन्यू यहाँ पे मतलब पहले स्टार्टिंग के दो मैच तो इन्होंने लगभग सही खेले, लेकिन आप यहाँ पे के जो लास्ट के दो मैच है उनमें देख सकते हो 1 एंड 22 पॉइंट इन्होंने दिए है फ्रेंड्स। तो ये हमारे लिए ग्रैंड लीग के लिए अच्छे कैप्टन हो सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे ओनली इन्हें 46% लोगों ने लिया है। बाकी यहाँ पे मैंने जो दूसरे राइडर लिया फ्रेंड्स, यहाँ पे सिद्धार्थ देसाई जो कि अभी तक सबसे अच्छी फॉर्म में यहाँ पे चल रहे फ्रेंड्स यू मुंबई की तरफ से। आप कंटिन्यू यहाँ पे इनका 5 मैचों में परफॉर्मेंस आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन अपनी टीम के लिए कर रहे हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स जो मेरे तीसरे जो यहाँ पे राइडर हैं, आप लोग देख सकते हो यू मुंबई की तरफ से रोहित बलियान जो कि एज ए सेकेंड मेन राइडर यहाँ पे खेल रहे हैं, और ये भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। देख सकते हो यहाँ पे फ्रेंड्स भले पिछले मैच में कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन इस मैच में काफ़ी उम्मीद है इनसे फ्रेंड्स। तो आपके पास जो इनके अलावा यहाँ पे एकमात्र ऑप्शन है यहाँ पे नीलेश सोलंकी, तो सोलंकी आपके लिए यहाँ पे ग्रैंड लीग के लिए कैप्टन के लिए काफ़ी अच्छी चॉइस होगी। यहाँ पे सिर्फ 35% लोगों ने सोलंकी को लिया है, तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे प्लेयर है, सुपर 10 भी कर सकते हैं, तो आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए की प्लेयर हो सकते हैं फ्रेंड्स। बाकी इनके अलावा यहाँ पे मैं किसी को प्रेफर नहीं करूँगा फ्रेंड्स। यहाँ पे मकदूल को पिछले मैच में खिलाया गया था लेकिन कुछ खास कर नहीं पाए, बाकी यहाँ पे कोई ऑप्शन है नहीं फ्रेंड्स। अब चलते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। तो ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ पे लिया है विशाल भारद्वाज को जो कि आपके लिए सबसे अच्छे ऑप्शन है यहाँ पे मेरे हिसाब से, देख सकते हो फ्रेंड्स। बाकी यहाँ पे आपके पास अभिषेक सिंह भी ऑप्शन है, लेकिन अभिषेक सिंह पिछले मैच में जो मैच पिछला मैच हुआ था मुंबई का, तो उसमें सब्स्टिट्यूट में अभिषेक सिंह आए थे फ्रेंड्स। तो हो सकता है इस मैच में इन्हें डायरेक्ट स्टार्टिंग सेवन में दिखाया जाए। तो अभिषेक सिंह अगर डायरेक्ट स्टार्टिंग सेवन में आते फ्रेंड्स, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा ये कर सकते हैं, आपके लिए काफ़ी अच्छी चॉइस होगी, और स्पेशली ग्रैंड लीग के लिए फ्रेंड्स आपके लिए काफ़ी अच्छी चॉइस ये हो सकते हैं, क्योंकि ऑनली 37% लोगों ने सेलेक्ट किया है। अगर ये कुछ अच्छा करते हैं तो फ्रेंड्स आपको काफ़ी अच्छा ये विन करा सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स यहाँ पे मोहसिन भी अच्छे ऑप्शन है, लेकिन उतना खास ये भी कुछ कर नहीं पाए हैं, तो आप इन्हें भी ग्रैंड लीग की टीम में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि देख सकते हो जो फर्स्ट मैच खेला था मोहसिन ने उसमें इन्होंने काफ़ी अच्छा किया था, 38 पॉइंट अपनी टीम के लिए दिए थे। तो यहाँ पे ओनली 14% लोगों ने इन्हें लिया फ्रेंड्स। अगर आप लोग थोड़ा बहुत रिस्क लेने का आपको शौक है तो आप लोग ले सकते हो इन पर ग्रैंड लीग में रिस्क एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन का। तो आप चलते फ्रेंड्स डिफेंडर में। तो डिफेंडर में जाने से पहले मैं आप लोगों को कहूँगा यहाँ पे पिछले मैच में फ्रेंड्स यहाँ पे हड्डी को भी खिलाया गया था, लेकिन ये कुछ कर नहीं पाए खास। यहाँ पे देख सकते हो ओनली 3 पॉइंट अपनी टीम के लिए गेन किए, तो इन्हें लेने का कोई मतलब नहीं होता फ्रेंड्स। पिछले मैच में इन्हें यहाँ पे सुरेंद्र सिंह के जगह पर खिलाया गया था, लेकिन इस मैच में मुझे लगता है कि सुरेंद्र सिंह वापस आएंगे फ्रेंड्स। तो अब चलते हैं ऑल डिफेंडर में। तो डिफेंडर में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने तीन डिफेंडर लिए फ्रेंड्स। जो मेरे पहले डिफेंडर है वो है राजगुरु। राजगुरु फ्रेंड्स कंटिन्यू अच्छा कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, देख सकते हो आप। इसके बाद फ्रेंड्स जो मेरे दूसरे यहाँ पे डिफेंडर लिए हैं वो है यहाँ पे सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह फ्रेंड्स पिछले मैच में खेले नहीं थे, लेकिन इनकी जगह जिन्हें खिलाया गया उन्होंने कुछ खास परफॉर्मेंस दिखाया नहीं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे सुरेंद्र सिंह कम बैक होंगे। तो आप अगर सेफ जाना चाहते हो आप यहाँ पे सुरेंद्र सिंह की जगह ले सकते हो फ्रेंड्स। यहाँ पे भरत को ले सकते हो, ये लगभग सेफ ऑप्शन है फ्रेंड्स, और काफ़ी अच्छे ऑप्शन भी आपके लिए है। तो आप चाहो तो यहाँ पे भरत के साथ जा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे जाऊँगा सुरेंद्र सिंह के साथ। और तीसरे जो मेरे राइडर और डिफेंडर है फ्रेंड्स वो है यहाँ पे अनिल कुमार। तो अनिल कुमार एक कॉर्नर में खेलते फ्रेंड्स, आपको पता होगा। तो इन्हें लेने का एक ही मतलब है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्रेडिट का थोड़ा इश्यू आ रहा है, तो आपको किसी न किसी प्लेयर को मतलब ऐसा लेना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स बाकी आपके पास यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शन है, जैसे फैजला टर्चली, अबोजर, यहाँ पे धर्मराज। तो फ्रेंड्स मैं तीनों को लेना चाहता था, लेकिन यहाँ पे अगर आपको एक ही चीज़ देखनी पड़ेगी फ्रेंड्स, अगर आप लोग यहाँ पे डिफेंस स्ट्रॉन्ग करते हो तो आपको यहाँ पे राइडिंग वीक करना पड़ेगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग क्या करना चाहते हो फ्रेंड्स। तो देख सकते हो यहाँ पे फैजल अटर चलिए आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए बहुत अच्छे कैप्टन साबित हो सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे ओनली 38% लोगों ने लिया है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने 51 पॉइंट भी अपनी टीम के लिए दिया है, तो फ्रेंड्स बेस्ट चॉइस है आपके लिए कैप्टन के लिए। यहाँ पे अबोजर काफ़ी अच्छी चॉइस है एज ए कैप्टन के लिए, देख सकते हो कंटिन्यू अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन अपनी टीम के लिए कर रहे। और फ्रेंड्स यहाँ पे धर्मराज भी काफ़ी अच्छे ऑप्शन है, आप लोग देख सकते हो ये भी काफ़ी अच्छे प्लेयर है।
तो ये तीन आपके लिए काफ़ी अच्छे ऑप्शन है यहाँ पे फ्रेंड्स। बाकी यहाँ पे आप भारत के साथ भी जा सकते हो, तो चार ऑप्शन आपके पास यहाँ पे अल्टरनेट होते हैं। तो फ्रेंड जो भी मैं अल्टरनेट चॉइस बता रहा हूँ वो सारे प्लेइंग 11 में इंक्लूड होने वाले प्लेयर हैं, तो आप उनमें से किसी को भी ले सकते हो। अब चलते हैं फ्रेंड्स स्मॉल लीग के कैप्टन वाइस कैप्टन की तरफ। तो फ्रेंड्स तीनों आपके पास अच्छे ऑप्शन है यहाँ पे राइडिंग में, तो आप किसी को भी कैप्टन वाइस कैप्टन ले सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे सिद्धार्थ देसाई एज ए कैप्टन काफ़ी अच्छे ऑप्शन है। वाइस कैप्टन आप चाहो तो रोहित बलियान को भी ले सकते हो, और राहुल चौधरी को भी ले सकते हो, विशाल भारद्वाज को भी ले सकते हो। तो ये आपके लिए स्मॉल लीग में काफ़ी अच्छे वाइस कैप्टन हो सकते हैं। अब मैं बात करूँ कैप्टन की, तो आपके पास ग्रैंड लीग में यहाँ पे राहुल चौधरी बेस्ट चॉइस है एज ए कैप्टन की। बाकी यहाँ पे राजगुरु भी आपके पास कैप्टन की अच्छी चॉइस है मुंबई की तरफ से, और रोहित बलियान वाइस कैप्टन। तो इस कॉम्बिनेशन के साथ भी आप लोग जा सकते हो ग्रैंड लीग की टीम में फ्रेंड्स। बाकी मैं आपको ग्रैंड लीग के लिए जो कैप्टन है वो पहले ही बता चुका हूँ फ्रेंड्स कि आप लोग किस किस को यहाँ पे ग्रैंड लीग में कैप्टन ले सकते हो। तो फ्रेंड्स चलिए मैं इस टीम को सेव कर लेता हूँ, आप लोग को दिखा लेता हूँ प्रीव्यू। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की टीम, उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये टीम पसंद आई होगी। अगर आप लोग को ये टीम पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। अगर आप लोगों ने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर ले, क्योंकि आपको इस चैनल पर कबड्डी से रिलेटेड हर एक न्यूज़, हर एक अपडेट और ऐसी टीम आपको हमेशा देखने को मिलती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय एंड गुड लक फ्रेंड्स।